नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। जो औरत सुबह उठते ही ये तीन काम करती है, उसके पति को धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ मित्रों, जिस घर की औरत सुबह उठते ही ये तीन काम करती है, तो मान लो उस घर की बरकत को कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। उसका घर, उसका पति कभी जीवन भर गरीब नहीं रह सकता है। उसको जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रह सकती है। दोस्तों, एक औरत घर के लिए वो सदस्य है। जी अपने घर को, एक नारी ही अपने घर को सुंदर बना सकती है। घर की औरत, घर की माता, घर की बहुएं या घर की बेटियां रोज सुबह उठते ही ये तीन काम को कर लें, तो ऐसी औरत अपने घर से गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। अगर कोई बहुत गरीब परिवार भी है और उस घर की नारी, उस घर की औरत अगर नियम से रहे, इन तीन कामों को रोज नियम से करे, तो वो अपने घर की किस्मत को चमका सकती है। वो औरत अपने घर में सब कुछ ला सकती है, धन दौलत अन्न सब कुछ नारी अपने घर में ला सकती है, फिर चाहे वो कितनी भी गरीब क्यों ना हो। मित्रों, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि जो औरत बाहर काम करके पैसा कमाती है, वो ही अपने घर को धनवान बना सकती है, वो ही औरत अपने घर को गरीबी से मुक्त कर सकती है। जी हाँ, अगर घर की औरत बाहर जॉब करके पैसा भी ना कमाए, तो भी एक औरत का घर को स्वर्ग बनाने, घर को धन धान्य से युक्त बनाने में विशेष भूमिका रहती है। जी हाँ, बस उसके लिए घर की औरत का सुबह उठते ही ये नियम जरूर होना चाहिए। उसको जीवन में बस ये तीन नियम जरूर फॉलो करने चाहिए। वैसे ये नियम जरूरी नहीं कि घर की औरत को ही करने हैं, अगर करना चाहें तो घर के पुरुष भी कर सकते हैं, मगर हमारे देश में सबसे ज्यादा घर को चलाने में, घर के कामों में महिला हाथ ही होता है। तो विशेष तौर पर ये इसलिए घर की औरतों को इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों घर को चमकाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए विशेष भूमिका नारियों की होती है। तो ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है, आपको किन तीन कामों को रोज सुबह उठते ही करना है, जिससे आप अपने घर को सच में स्वर्ग बना सको, अपने पति को, अपने घर को धनवान बना सको। तो ध्यान से सुनिएगा ये तीन बात। तो पहली बात से है कि रोज सुबह उठते ही घर की बहू, घर की नारी, घर की औरत को अपने घर की माँ को प्रणाम करना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि ऐसी तीन माँ होती हैं। एक औरत अपने घर को हमेशा के लिए वैभवयुक्त बना सकती है, वो अपने घर को संपन्नतायुक्त बना सकती हैं, धन संपदा से, अन्न से, धन से भरा हुआ बना सकती हैं। तो आपको इसके लिए करना क्या है, आपको सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। आपको धरती माँ के छुते हुए उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहना है, हे धरती माँ। आप जब धरती माँ को प्रणाम करें, तो पूरे भाव से प्रणाम करें। आप उनसे कहें, हे धरती माँ, आप हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमेशा कृपा बरसाएं, क्योंकि मैं आपके ऊपर अपने चरण रखने जा रही हूँ। मेरे हर कार्य को आप सफल बनाएं, और फिर आप धरती पर अपना कदम रखें। इसके साथ ही आपको दूसरा काम क्या करना है, आप जब नहाने के बाद अपने घर की रसोई में जाओ, तब आपको अपने रसोई घर के दरवाजे को प्रणाम करते हुए अंदर जाना है, क्योंकि मित्रों रसोई घर में साक्षात अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं। तो ये प्रणाम आपका सीधे अन्नपूर्णा माँ को है। तो आपको रसोई घर में माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। और जो नारी, जो औरत धरती माता को प्रणाम करने के बाद माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करके ही रसोई घर में प्रवेश करती है, उसके रसोई घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती है। जी हाँ, उस घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आ सकती, उस घर से कभी भी कोई भूखा नहीं जा सकता है, उस घर में आए हुए अतिथि कभी भूखे नहीं सो सकते हैं। ऐसा करने से बहुत बड़ी कृपा घर की नारी पर होगी, माता अन्नपूर्णा की, धरती माता की, कि उस नारी की रसोई हमेशा ही अन्न से भरी हुई रहेगी। अब बात आती है मित्रों तीसरे प्रणाम की। तो तीसरा प्रणाम घर की नारी को, घर की बहुओं को, अपने घर के बुजुर्गों को करना चाहिए, चाहे वो अपनी सासू माँ हो या कोई अन्य घर के बड़े हो। तो घर की नारी को सुबह तीसरा प्रणाम घर के बुजुर्गों को करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि सुबह उठते ही आपको पहला प्रणाम धरती माँ को, दूसरा प्रणाम अन्नपूर्णा माँ को और तीसरा प्रणाम घर की सासू माँ को करना चाहिए।
तो मित्रों, इन तीन प्रणाम को जो भी घर की औरत रोज सुबह उठकर करती है तो उस घर में कभी भी धन धान्य की अन्न की कमी नहीं हो सकती है, उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते हैं। तो मित्रों, उस घर की नारी में ऐसा गुण है तो उस घर में बरकत होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर नारी में ये गुण हो तो उसका घर हमेशा ही संपन्नता से भरा रहता है। तो मित्रों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार कमेंट में जयकारा जरूर लगा दें। राधे राधे। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।